नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल। दोस्तों अगर आप भी आंगनबाड़ी हो, आशा कार्यकर्ता हो, तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त की 10 बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ। दोस्तों बहनों को केंद्र, जो बहनों केंद्र को बनाया जाएगा हाईटेक, जो आपका केंद्र उसको हाईटेक बनाया जाएगा, साथ में बहनों का रुका हुआ मानदेय वो आपका रक्षाबंधन तक आने की संभावना है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले, साथ में आपका अतिरिक्त भत्ता के साथ में बीमा एवं ग्रेच्युटी का आपको लाभ है उसके उस वो भी आपको मिलने वाला, साथ में आपकी सैलरी यहाँ पर 18,000 और पेंशन आपको 6,000 यहाँ पर मिलने वाली है। मोदी सरकार का बड़ा ये आपको मौका और बड़ा ऐलान आपके द्वारा आपके लिए किया गया है। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, विध पूर्व आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता संबंधित पल पल के अपडेट मिलते रहे। साथ में आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो जरूर कमेंट करें ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित रिलेटेड अपडेट आपको देते रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्ले स्कूल की तरह आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलेगा माहौल, केजरीवाल। तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर पाठ्यक्रम लॉन्च करने हुए आंगनबाड़ी सेवकों को स्मार्टफोन बांटे जाने के लिए बुधवार को, आप यहाँ देख सकते हैं बुधवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्ले स्कूल की तरह माहौल मिलेगा। दिल्ली सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत 10,000 लोगों को स्मार्टफोन दिए जा रहे। साथ में आप यहां देखिए तो अर्ली चाइल्डहुड केयर पाठ्यक्रम लॉन्च करने के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल जैसा माहौल देने की कोशिश की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, साथ में यह काम कर रही सेविकाओं को अब 11 से 12 रजिस्टर नहीं रखने होंगे, वे स्मार्टफोन के जरिए ही पूरी जानकारी दे सकेंगे। वर्ष 2015 से पहले आंगनबाड़ी केंद्र केवल खाना बांटने के सेंटर की तरह जाने जाते थे, इसमें हमने बदलाव किया। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं से कहा कि दिल्ली के 6 लाख बच्चों का भविष्य उनके हाथों में, आप दिल्ली के बच्चों का भविष्य संवारे, हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब देश में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सरकारी स्कूलों की बात की जाती है तो दिल्ली में अच्छे काम का जिक्र होता है, इस तरह आने वाले साल में हम आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इस तरह के बदलाव करना चाहते हैं जहां बच्चों को बुनियादी शिक्षा और उचित पोषित पोषक है वो आहार मिले। जिन आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं उनके मोबाइल का खर्च भी दिल्ली सरकार ही वहन करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व मुख्य सचिव विजय देव भी मौजूद थे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सारी दुनिया में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की गई है लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रही पूर्व की व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि 6 साल में बच्चे का 80% दिमाग विकसित हो जाता है लेकिन हम यहाँ केवल खाना खिलाने तक ही दिलचस्पी रखते हैं, अब उनके खुश रहने, उनके दिमाग को विकसित करने पर काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आंगनबाड़ी सेविकाओं के हितों को ध्यान के उनका वेतन 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है, ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। सिसोदिया ने आंगनबाड़ी सेविकाओं से बात कर उनकी समस्याओं को भी जाना है। उसके अलावा आप यहां देख सकते हो दिल्ली सरकार की इस योजना से हाईटेक होंगे आंगनबाड़ी। जी हां दोस्तों, कौन सी स्कीम है वो, दिल्ली सरकार ने बुधवार को आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत 10,000 कर्मचारियों को स्मार्टफोन दिए। इस कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तरह विकसित किया जाएगा, साथ ही बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर कैरिकुलम लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक बना रही है, उन्हें प्ले स्कूल जैसा माहौल देने की कोशिश की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कंप्यूटराइज किया जा रहा है, साथ में कामकरी कर्मियों को अब 11 से 12 रजिस्टर लेकर चलने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप यहां देखते हो मोबाइल मासिक खर्च भी उठाएगी सरकार, आपका मासिक खर्च है जो मोबाइल का वो भी सरकार आपका उठाने वाली है। साथ में दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केजरीवाल सरकार ने बांटे 10,000 स्मार्टफोन यहां पर बांटे गए। उसके अलावा आप यहां देखते हो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नेतृत्व वाली अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुधवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में 10,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन बांटे। कार्यक्रम में दिल्ली की सभी आंगनबाड़ी के वर्कर्स ने हिस्सा लिया और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सामने सैलरी बढ़ाने से लेकर गर्मी की छुट्टियों की डिमांड भी रखी है। कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि भी यहां पर दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंगनबाड़ी वर्कर्स से बात करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन दिए जा रहे, खूब काम करना और व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करना, अब आंगनबाड़ी को विकसित किया जा रहा है, प्ले स्कूल की
अच्छी तरह आंगनबाड़ी में सुविधाएं मिलेगी और अब गरीब के बच्चे भी आंगनबाड़ी में जा सकेंगे। उसके अलावा साथ ही दिल्ली की आंगनबाड़ी सेंटर को प्ले स्कूल जैसा विकसित करने के लिए एक नए करिकुलम को लॉन्च किया गया है। विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्मार्टफोन बांटने के पीछे मकसद बताते हुए कहा कि जैसा फोन सचिव या मंत्री के हाथ में है वैसा फोन अब आंगनबाड़ी वर्कर्स के हाथ में होगा। कोई चाइनीज माल आंगनबाड़ी की बहनों को नहीं दिया जा रहा है, नामी कंपनी का फोन दिया जाएगा। अब एक दर्जन रजिस्टर धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेटा जुटाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, मोबाइल से डेटा भेज दिया जाएगा। उसके अलावा आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे देश में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अब आंगनबाड़ी सेंटर में अर्ली चाइल्डहुड केयर करिकुलम शुरू किया जा रहा है। सारी दुनिया के मनोवैज्ञानिक मान चुके हैं कि 6 साल तक बच्चे का 80% दिमाग है वो यहाँ पर विकसित होता है। वंचित रहे बच्चों का आंगनबाड़ी पर किया टीकाकरण। यहाँ पर आप देख सकते हो केलवाड़ा में कस्बे के आंगनबाड़ी केंद्र तृतीय पर मंगलवार को गर्ल्स स्कूल में वंचित रही बालिकाओं व अन्य बच्चों को यहाँ पर टीकाकरण किया गया है। कस्बे के आंगनबाड़ी केंद्र तृतीय पर मंगलवार को गर्ल्स स्कूल में वंचित रही बालिकाओं व अन्य बच्चों को एनएम ने खसरा व रूबेले का टीका लगाया। इस दौरान बच्चों की लंबाई व वजन भी किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रमा शर्मा ने बताया कि 22 जुलाई से जारी टीकाकरण अभियान के तहत जो बच्चे वंचित रह गए थे उन्हें मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर बुलाकर खसरा व रूबेला का टीका लगाया गया है। इस दौरान गर्ल्स स्कूल की शिक्षिका राजेश मित्तल, मंजू शर्मा और एनएम चुंदन भार्गव के अलावा कई बच्चे स्कूल की बालिकाएं मौजूद थे। टीकाकरण के बाद बच्चों को लंबाई व वजन करने के अलावा उन्हें एनएम मीना कुमार ने स्वच्छता व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेता कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।